अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद ज़हीर अख्तर। अगर आप भी ख्वाहिशमंद हैं कि आप भी यूएई का गोल्डन वीज़ा लें, तो माशाल्लाह से एक बहुत ही अच्छी और प्यारी खबर अब हर आदमी ले सकता है, लेकिन सिर्फ इसके लिए आपको नेकी के काम करने पड़ेंगे। क्या करना पड़ेंगे? नेकी के काम। हाँ, जैसा कि ये न्यूज़ आप देख सकते हैं कि अगर आप हैज़ा रज़ाकाराना तौर पर यूएई के अंदर काम कर रहे हैं, या आप दुनिया के किसी कोने में भी रज़ाकाराना तौर पर काम कर चुके हैं या यूएई के अंदर कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में आप यूएई का गोल्डन वीज़ा अचीव कर सकते हैं और फ्री में आपको गोल्डन वीज़ा मिल सकता है। यानी कि जो फीस है वो पे करने पड़ेगी, बाकी तो रिक्वायरमेंट्स हैं इनकी बहुत हाई है, वो आपके ऊपर लागू नहीं होंगी। आप ये पूछें कि ये रज़ाकाराना तौर पे हम कैसे कैसे और कहाँ कहाँ पे काम कर सकते हैं, तो उसकी कुछ डिटेल मैं आपको यहाँ पे दे सकता हूँ। अगर आप यूएई के अंदर हैं तो आप कौन सी वेबसाइट पे जाके रजिस्टर कर सकते हैं, इसकी पूरी डिटेल वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है। आप रजिस्टर भी खुद को कर सकते हैं। अभी सबसे बड़ा इसके अंदर आता है वॉलंटियर्स यूएई की है, सही है, उसमें आप जाके खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। उसके बाद इमरेट रेड क्रेसेंट का आपने सुना होगा, उसमें आप खुद को रजिस्टर करवा सकते हैं। बहुत इजी वे है, वेबसाइट पे जाके खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये तो रज़ाकाराना तौर पे काम करते हैं, इनको सैलरी या तनख्वाह वगैरह कुछ नहीं मिलती, ये दिमाग में रखिएगा। ये एक आप इंसानी हमदर्दी बेस पे काम कर रहे होते हैं लोगों की फलाह के लिए, सही है। इसके अलावा आपको पता है नेशनल वेल्टर प्रोग्राम इमरजेंसी क्रेसेस एंड, यानी कि तो यूएई के इनकेस ऑफ इमरजेंसी में कोई प्रॉब्लम परेशानी बनती है, उसके अंदर आप खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। इसके अलावा दुबई वर्ल्ड यानी कि रज़ाकाराना प्रोग्राम में इनका सेंटर है, दुबई रज़ाकाराना सेंटर है इनका, वहाँ पे आप रजिस्टर कर सकते हैं। उसकी डिटेल भी मैं आपको लेफ्ट राइट दे रहा हूँ। इसके अलावा शारजा का भी ऐसा ही है कि अगर आप रज़ाकाराना तौर पर काम कर सकना चाहते हैं तो उनके जाके आप रजिस्टर कर सकते हैं। इसके अलावा दुबई कैरियर नाम का है, वहाँ पर भी आप खुद को रजिस्टर कर सकते हैं रज़ाकाराना काम के लिए। अभी इसके अलावा अबू धाबी का भी अगर आप निकलना चाहते हैं, सही, रज़ाकाराना तौर पर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, नो इशू, सही है। इसके बाद अभी आपको बताता हूँ कि इसके कानून कैदा क्या है और इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। ये कुछ 4 से 5 पॉइंट मैं लेफ्ट हैंड आपको दिखा रहा हूँ। एक जो सबसे पहले कि आप अगर रज़ाकाराना काम कर रहे हैं, मिनिमम आपको 5 साल गुजर चुके होने चाहिए, सही है, पहला तो मेन। सेकेंड तो मेन पॉइंट है, बाकी पॉइंट ज्यादा है लेकिन मैं आपको 2-3 बताऊंगा। आप अगर और किसी कंट्री में काम कर रहे थे, किसी मुल्क में हैज़ा रज़ाकाराना खिदमत पेश करके आ चुके हैं और आपके पास उन्होंने कोई आपको इनाम भी दी है, कोई सनद भी दी कि आपने बहुत अच्छा काम किया हुआ है, उस कंडीशन में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हैज़ा अगर यहाँ पे यूएई के अंदर हैं, आप मोर देन तकरीबन 20 लाख तक आपने किसी डोनेट किया हुआ है या रज़ाकाराना इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर किसी की हेल्प की हुई है, ऐसा कुछ किया हो, उस कंडीशन में भी आप ये अप्लाई कर सकते हैं। ये पूरी डिटेल लेफ्ट राइट है, बाकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी, आप इसको पढ़ सकते हैं, अपने भाई दोस्तों के शेयर कर सकते हैं। यूएई के अंदर रह रहे हैं तो खुद को भी इन जो मैं वेबसाइट बताई है यहाँ पे खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। बाकी मर्जी आपकी अपनी है, लेकिन देखिए काम करके भी आप गोल्डन का वीजा ले सकते हैं।